नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपको स्वागत है। सेकंड वीक का मैं सेकंड वीक का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करें तो आपका करंट अफेयर यहां से एक भी नहीं छूटने वाला है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, इस पे आपको इस वीक का सारे करंट अफेयर मिलने वाला है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं हर वीडियो का लिंक और उसका पीडीएफ डालता हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। सारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या सारी चीजें। लगभग इसमें 55 से 60 तक का क्वेश्चन है। इसमें पहले आने वाला है हमारा जो इसी वीक में जो सारी इंपॉर्टेंट डेज है ये आने वाला है, और उसके बाद सारे करंट अफेयर आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। तो देखते हैं पहला 8 में, जो कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो ये हेनरी डाउंट, जो कि फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसको उसको फाउंड किए थे। ठीक है, वो पहला नोबेल प्राइज विजेता भी है। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो वन रेड क्रॉस डे, जो रेड क्रॉस है वो हमें जैसे कि फ्लड होता है, जो सिचुएशन होता है ब्लड डोनेट करने के लिए, ये सारी चीज में ये रेड क्रॉस काम करता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। 8 में और एक डे है, थैलेसीमिया डे। ठीक है, थैलेसीमिया डे, जो कि जो लोग इस थैलेसीमिया बीमारी में पीड़ित होते हैं उन लोगों को कैसे इंकरेज किया जाए, कैसे स्ट्रगल करें उनको, कैसे उनको डिजीज से निकाल दिया जा सके, इस बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। ठीक है, 10 मई का सेकंड सैटरडे जो होता है, मई महीने का सेकेंड सैटरडे को मदर्स डे मनाया जाता है। इसी बार ये 10th मई को पड़ा था। ठीक है, तो 10th मई जो मदर्स डे का फाउंडर अन्ना जेफिस, जिनके आइडिया द्वारा पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, ये किया गया था 1914 में। ठीक है, याद रखिएगा। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उसी दिन 1998 11 मई को पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसका नाम था शक्ति। याद रखिएगा, शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो इस पोखरण टेस्ट में जो हुआ था उसमें एक मूवी भी आया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो है परमाणु। ठीक है, वो बहुत अच्छा मूवी है, देख लीजिएगा। 12 में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का पांच डे को इंटरनेशनल नर्सेस डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, यह हर साल मनाया जाता है 12 मई को। तो चलते हैं इसी साल इसी वीक का जो सेकंड वीक का 8 मई से 14th मई तक का जितना भी सारी करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है सेफ दादा दीदी नाना नानी कैंपेन, जो कि नीति आयोग ने शुरू किया है। याद रखिए, ये स्मॉल कैपिटल हो गया है, कैपिटल लेना चाहिए। दादा दीदी नाना नानी, नाना नानी, ठीक है, ओके। पीके दास को अपॉइंट किया गया है सीएमडी ऑफ IREDA। What is the acronym of IREDA? Indian Renewable Energy Development Agency। याद रखिएगा, IREDA का मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष कवच कोविड। याद है,
याद रखिएगा आयुष कवच कोविड। मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने जो यह अनाउंस किया है कि जो लॉकडाउन में चल रहा है इसमें जो प्राइवेट स्कूल है उसका फी 50% तक का रिड्यूस किया जाएगा। तो एजुकेशन के लिए वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक डाउन चल रहा है, तो उसके लिए जो बच्चे लोगों का पढ़ाई के लिए 50% कमा दिया गया है। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में जो गैस लीक हुआ था, याद रखिएगा वो गैस था स्टेरिन, ठीक है, स्टेरिन गैस लीक हुआ था, याद रखिएगा स्टेरिन गैस पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए इंडिया के लिए काम करता है, ठीक है, ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आते हैं। तो ये जो उनका जो डिसाफ डिवीजन है उनमें से उससे पहले पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को ऐड नहीं किया गया था, लेकिन इसी बार पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को भी उनका एक सब डिवीजन में बांटा गया है, ताकि आप जब भी देखेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का जो एरिया उसका भी मेट्रो आपका नजर आएगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर जो सारी चीज है, ठीक है। चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5A। जैसे कि इंडिया का एक हेवी सैटेलाइट है, चाइना का भी ये एक हेवी सैटेलाइट है, लेकिन उनका जो हेवी जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए होता है, लॉन्च करने के लिए होता है, वो उसका नाम है लॉन्ग मार्च, जैसे कि इंडिया के पास है PSLV Mark 3, ठीक है, GSLV Mark 3, ऐसा ही चाइना के पास भी लॉन्ग मार्च 5 है। तो अगर उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट नहीं छोड़कर लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, तो इसीलिए वो लोग यूज करते हैं लॉन्ग मार्च 5। याद रखिएगा ये रॉकेट फिर एक बार धरती पर आ गिर पड़ा है, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जिन्होंने एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट ईयर 58 ईयर्स है 59 ईयर तक बढ़ा दी है। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर योगा योग स्कीम, ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरा गवर्नमेंट ने वो स्कीम लॉन्च किया है। यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप वेंटिलेटर बेड फैसिलिटी मिल जाएगा। इंडिया का पहला एक स्टेट है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप वेंटिलेटर बेड मिल सकता है, क्योंकि जो COVID-19 कोरोना वायरस हो रहा है उसमें तो वही सिम्टम दिखाई दे रहा है ना, जो कि जो हमारा लंग्स होता है वो अटैक करते हैं, हम जो पेशेंट होते हैं वो अच्छे सांस नहीं ले पाते, तो इसीलिए वेंटिलेटर का सुविधा किया गया है यूपी स्टेट में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अजन के रहने जो कि ELSA ग्रुप कॉर्प इंडिया का ब्रांड एंबेसडर बन चुके हैं, याद रखिए। UNEP जिन्होंने दिया मिर्जा का इंडियस गुडविल एंबेसडर टू जो कि बढ़ा दी गई है 2022 तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस सस्पेंड कर दी है, ऑर्डिनेंस लेकर एक लॉ को सस्पेंड कर दिया है 3 ईयर के लिए। लेबर लॉ था उसको 3 ईयर के लिए सस्पेंड कर दिए हैं एक ऑर्डिनेंस लेकर। ऑर्डिनेंस क्या होता है बता देता हूँ, जिसे टाइम जब जब अगर सेशन नहीं चल रहा है तो अगर जरूरत उसी टाइम पे कोई जरूरत है, जरूरी डिसीजन लेना है, कोई नया लॉ लाना है, तो उसके लिए
एक ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है, कैबिनेट ऑर्डिनेंस ले सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक आईन नहीं बनेगा जब तक सिक्स वो ऑर्डिनेंस को 6 महीने के भीतर ही जो जो अगले सेशन होगा उसमें उसको पास करना होगा, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप में खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो टाटा ग्रुप ने 50% स्टेक एक्वायर किया है जेनेरिक आधार फार्मा कंपनी में, ठीक है। अमेरिका का जो इक्वलिटी कंपनी है उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में 1.15% का स्टेक एक्वायर किया है। महाराणा प्रताप जिनका बात सेलिब्रेशन होता है 9 मई 2020 में उनका 450th बर्थ एनिवर्सरी 450वीं सालगिरह होता है, ठीक है, याद रखिएगा महाराणा प्रताप, वो न्यूज में है, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 4,481.08 बिलियन तक का पहुंच चुका है, यानी हमारे पास जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 481.08 बिलियन तक पहुंच चुका है। टाटा पावर प्लांट टाटा पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों मिलकर एयरफोर्स का जो एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ठीक है। 80 करोड़ पीपल जो कि इस 3 महीने के लिए पल्सेस एंड फूड ग्रेन सप्लाई किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन सा स्कीम है, वो स्कीम का नाम है NAFEDI, उसका एक्रोनिम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा बहुत बड़ा एक्रोनिम है, एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक लॉन्च ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र, जो प्रवासी मजदूर है जो उनका उत्तर प्रदेश में फंस चुके हैं उनके लिए यह ऐप शुरू किया है प्रवासी राहत मित्र, ठीक है। मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया मिलियनेयर लिस्ट में टॉप क्या है इस साल में, ठीक है, याद रखिएगा 2020 फोर्ब्स इंडिया मिलियनेयर्स में मुकेश अंबानी टॉप क्या है। टाटा स्टील ने अनाउंस किया है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन से वो पुल आउट कर लेंगे, मेंबरशिप हटा लेंगे उसका उनका, ठीक है। आयुष संजीवनी ऐप जो कि आयुष मिनिस्टर के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया है आयुष संजीवनी, ठीक है, आयुष मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, याद रखिएगा ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्टर कमेटी डिफेंस मिनिस्टर ने हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है राजनाथ सिंह ने 9,304 पोस्ट जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस थे उसको अबोलिश कर दिया है, जो टोटल पोस्ट 13,000 समथिंग निकला था उसमें से 9,304 पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस थे उसको अबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया पोस्ट एंड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोनों ने मिलकर COVID-19 का जो टेस्ट किट है उसको डिलीवरी रैपिड डिलीवरी करने के लिए वो दोनों मिल गए हैं, ताकि जो ICMR जो टेस्ट किट पहुंचा रहा है उसको इंडिया पोस्ट जल्द से जल्दी पहुंचाया जा सके हर टेस्ट फैसिलिटी में। इजराइल कंट्री ने COVID-19 के लिए मोनोक्लिनिकल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा वो है इजराइल। यूनाइटेड नेशन $6.7 बिलियन का रिलीफ दिया है COVID-19 के लिए जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। SBI GI लॉन्च यानी SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य, याद रखिएगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य, ठीक है। मिशन सागर एक
इंडिया के द्वारा चलाया गया मिशन है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में जो आइलैंड कंट्री है उनको एसेंशियल सर्विस, जैसे कि जो मेडिकल इक्विपमेंट, जो सभी सैनिटाइजर, जो पीपीई होता है, उसको पहुंचाने के लिए मिशन सागर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने, जो कि इंडिया का पहला बैंक बन चुका है, मेमोरेंडम टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, तो फर्स्ट बैंक जो कि मोरेटोरियम बन चुका है। वेस्ट बंगाल का जो लोकोमोटिव सेट है, इंडिया का जो चित्तरंजन लोकोमोटिव सेट है, उन्होंने एक ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली बनाया है जो कि ऑटोमेटिक चल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी साल वेस्ट बंगाल का जो चित्तरंजन लोकोमोटिव सेट है, उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट किया है, एक ही साल में सबसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजन डेवलप करके, मेरा थोड़ा याद नहीं है नंबर क्या है, ठीक है। एनआईवी पुणे ने फर्स्ट इंडिजिनियसली एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लिया है। एनआईवी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। नितिन गडकरी जी, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, अगले दो साल के लिए 15 लाख करोड़ का रोड कंस्ट्रक्शन का गोल दिया है। याद रखिएगा कितना है, 15 लाख करोड़ का अभी दो साल में खर्च किया जाएगा रोड को डेवलप करने के लिए। डीआरडीओ ने एक यूवी बेस्ड सैनिटाइजर बनाया है जिसका नाम है ध्रुव्स, याद रखिएगा ध्रुव्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा है, सॉरी डेट लिखा हुआ है डाटा, मध्य प्रदेश स्टेट ने जिसमें लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, याद रखिए लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सा स्टेट में है, वो है मध्य प्रदेश। सुरक्षा स्टोर, यानी स्टोर में जो ग्रोसरी स्टोर में जो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, उसका नाम है सुरक्षा स्टोर, ठीक है, उसका नाम है सुरक्षा स्टोर। नाबार्ड बैंक ने एक 12,767 करोड़ रुपीस का डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एंड रीजनल बैंक के लिए, ठीक है, ताकि जो कृषि है उसको बढ़ाया, एनहांस किया जा सके जो अफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज घोषणा की है, ठीक है, 20 लाख करोड़ का। ये और एक चीज याद रखिएगा, ये हमारा जीडीपी का 10% है, जो पैकेज अनाउंस है हुआ है, जो ये है हमारा जीडीपी का 10% है। केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्काई ट्राई द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है, तो कौन सा एयरपोर्ट, वो है केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है एफआईआर आपके द्वार योजना, ठीक है, पहला इंडियन स्टेट है जो कि एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू किया है। आप एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस एफआईआर डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन बैंगलोर सिटी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राण वायु, ठीक है, उसका नाम है प्राण वायु, याद रखिएगा। दीपक मल्लिक एन इंडियन पारा एथलीट, उनका उन्होंने खुद अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने एक उड़ीसा यूनिवर्सिटी का जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन शुरू किया है जिसका नाम है भरोसा, याद रखिएगा ये भरोसा है, ठीक है। सीएसआईआर ने एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर
बनाए हैं जिसका नाम है स्वस्थ वायु। ठीक है, स्वस्थ वायु। इंदुशेखर चतुर्वेदी जो कि सेक्रेटरी बन गए हैं, अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी के पद में, अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्रेटरी अपॉइंट है उनका नाम है इंदुशेखर चतुर्वेदी। मनोज आहूजा सीबीएसई का नया चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। याद रखिएगा सीबीएसई का नया चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। तिले ए रुमाल जो कि तेलंगाना में मिलता है उसको जीआई टैग मिल चुका है। लास्ट वीडियो में मैं कुछ जीआई टैग का बताया था, देख लीजिएगा। गोवा स्टेट डिसाइडेड टू डेवलप ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू फॉर टूरिस्ट विजा इन द स्टेट। वो खुद चाहते कि आप उनका खुद का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए। एमएसएमई के द्वारा एक पोर्टल शुरू लॉन्च किया है जो कि है चैंपियन पोर्टल। ठीक है, चैंपियन पोर्टल किसका द्वारा शुरू किया गया है? वो एमएसएमई के द्वारा। ठीक है, एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर है और वे। ठीक है, विथ सीआईआई द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक कॉन्फ्रेंस, डिजिटल कॉन्फ्रेंस शुरू किया है जिसका नाम है रीस्टार्ट। याद रखिएगा उसका नाम है रीस्टार्ट। अनिल बंसाली जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया का पद में अपॉइंट किए गए हैं। तो गूगल क्लाउड इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट पद में अनिल बंसाली को अपॉइंट किया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के तहत 2019 और 20 में इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है 40.45 टन को इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा उसका इंडिया का जो आरबीआई का फॉरेन रिजर्व है वो 481 बिलियन को इंक्रीज हो चुका है और जो गोल्ड रिजर्व है वो 40.45 टन को इंक्रीज हो चुका है। सोहरी पेंटिंग जो कि झारखंड का है उसको भी जेई का टैग मिल चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना तबीयत को सही रखिए। नमस्कार दोस्तों।